फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो। आज का टॉपिक है स्क्रीनशॉट कैसे ले। और फ्रेंड्स, मेरे पास है रियलमी का फोन। और फ्रेंड्स, अगर मैं चैनल में पहली बार आए थे, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है और इसके बाद आपको इंस्टाग्राम इंटरफेस आएगा। और फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट हम इसलिए लेते हैं और स्कूल की मतलब कि कोई स्टूडेंट होते हैं जो उनकी टीचर कहते हैं स्क्रीनशॉट लिख के रखें, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये सब इन सब में स्क्रीनशॉट लेना होता है और किसी को आता नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने इन्हें भी कर रखी है वैसे, तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर दिखा रही थी। जो आपको पावर बटन है, वॉल्यूम बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है, प्रेस नहीं दबा के रखना है, मतलब इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, मैं दोनों फिंगर का इस्तेमाल करना होगा मुझे, तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ करेंगे। देख सकते हैं मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखा रही हूँ आपको। तो शायद वो इनेबल नहीं है, यहाँ पे थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट है मेरे में। देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले चुके हम, तो ये थ्री फिंगर का शायद मेरे में इनेबल था इसलिए। और ये इनेबल हो चुका है। यहाँ पे आप चाहे तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ से बैक करेंगे, जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ से डन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेट हो जाएगा। क्रॉप कर सकते हैं चाहे तो, एडिट वेडिट कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। और फ्रेंड्स, ये फ़ोटो में जा चुका है। अब फ़ोटो को ओपन करेंगे, दिखा देते हैं स्क्रीनशॉट वाला होगा इसमें। यहाँ से करेंगे, ये कैमरा पे क्लिक करेंगे, ये रहा स्क्रीनशॉट वाला। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और फ्रेंड्स, इसको ओपन करेंगे और आप किस प्रकार से इसको इनेबल करेंगे, कहाँ से इनेबल करेंगे वो बताऊँगी। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ऐड मतलब कि आपको टू डॉट वाला एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है, ये रहा स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। और इसके बाद आपको इसको इनेबल करना है स्क्रीनशॉट साउंड। आप चाहे तो साउंड भी इनेबल कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला ऑप्शन, थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या फिर इसको इनेबल करेंगे तो आपको थ्री फिंगर और टच एंड होल्ड, तो आपको टच करके रखना है होल्ड। और इसके बाद आपको यहाँ बटन से भी ले सकते हैं चाहे तो। मतलब तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन को प्रेस करके रखना है, तो आपका ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और इसके बाद होम करेंगे, ये सभी इनेबल है। और इसके बाद इसको प्रेस करके रखेंगे, तो फ्रेंड्स साइज में स्क्रीनशॉट वो वाला नहीं है जो दूसरा वाला था हमारा। और इसके बाद आपको इस प्रकार से करना है, तो आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है, ये थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट है। और इसके बाद आपको कुछ भी जैसे कि इम्पोर्टेंट जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट लेने चाहेंगे आप, तो उसके बाद आपको पावर बटन और इसको एक साथ दबा के रखना है। इस प्रकार से मैं दिखा रही थी आपको, देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। और वो साउंड है जिससे कि आपको पता चले कि आपने स्क्रीनशॉट लिया है नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं चाहे तो। तो इस प्रकार से करेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। अगर नीचे कैंसिल कर देंगे, होम करेंगे, तो ये इसमें जा चुका है फ़ोटोज़ के एल्बम में। और इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। जब मैं स्क्रीन सभी को डिसेबल कर देती हूँ तो यहाँ पर कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे, देख सकते हैं कोई बटन से नहीं ले पा रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको यहाँ से इनेबल करके रखेंगे। मैं सिर्फ थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहूँगी, देख सकते हैं। और जब मैं इसको साउंड डिसेबल कर देती हूँ तो यहाँ पे कोई साउंड नहीं आएगा, देख सकते हैं आप। मैं इसी का स्क्रीनशॉट लेकर दिखा रही थी, देख सकते हैं कोई भी साउंड नहीं आया है। स्क्रीनशॉट ले चुके पर आपको पता नहीं चलेगा। और जब मैं इसको इनेबल करती हूँ तब आपका स्क्रीनशॉट पता चल जाएगा कि आपने लिया है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।